कारण क्या हो सकता है? सारी दुनिया के लोग व्रत कर रहे हैं और सारी दुनिया के लोग शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, सारी दुनिया के लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, सारी दुनिया के लोग भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, दुनिया वालों के भी तो काम हो रहे हैं। अगर भगवान हमको हमारे कार्य सफल करने में कुछ देरी कर रहा है तो समझ लेना कि कोई कर्म की फाइल बड़ी मोटी हो गई होगी, उसको काटने में, छुपाने में, रखने में थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है। थोड़ी कर्म की फाइल मजबूत होगी, उसको थोड़ा सा छुपाने में, थोड़ा सा बनाने में, थोड़ा रखने में उसको समय लग रहा है, हो सकता है। एक प्रश्न शायद पत्र यहां नहीं आया होगा, कक्ष में रह गया होगा, उसमें किसी बच्चे ने प्रश्न करा है कि पिता मर जाता है तो सेठ जी का कर्जा बेटे को चुकाना पड़ता है, अनिल पोरवाल कोई जगह है वहां से उसने पत्र लिखा है, नाम ध्यान में है। अगर मान लो पिता चले जाए तो सेठ का कर्जा बेटे को चुकाना पड़ता है, उसी तरह माता पिता अगर कोई कर्म बेकार करे तो उसका भोग क्या बेटे को भोगना पड़ता है? ये प्रश्न है। बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न करा है, एक बार ताली बजाओ उस बच्चे के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न। शायद वो पत्र यहां नहीं आया होगा, कक्ष में होगा, पर प्रश्न अच्छा है जो हमको समझना है। कलवी कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं कि आपके कर्म का भोग आपको भोगना है। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने अपने कर्मों का भोग अपन सबको भोगना है। दूसरा इस कर्म का भोग नहीं भोगेगा वो। एक किसान का बेटा रोज रोटी लेकर आता था, रोटी उसने खेत में रख दी और पिताजी से कहा ये रोटी रखी है, पिताजी ने कहा जा वहां से जरा वो तगाड़ी उठा के ला और उसमें चना भर के लिया। जातू छोरा गया तगाड़ी उठाने के लिए, चना भरने के लिए, और इतनी देर में कुत्ता आया और वो कुत्ता उस रोटी पर मुंह मार दिया, उस रोटी को उसने कुत्ते ने मुख मारा। छोरा आया तगाड़ी नीचे रखी, गुस्सा आया, लोहे का एक राट पड़ा था उसने उठाकर कुत्ते के पांव में मारा और कुत्ते के दोनों पांव बेकार हो गए। जिंदगी भर वो कुत्ता पांव को खींच कर चलता रहा,
अंत में एक दिन मर गया, प्राण छूट गए। ये दोनों स्पीकर नहीं चल रहे हैं। अंत में प्राण छूट गए उसके। और जब प्राण छूटे, ये किसान भी प्राण छोड़ा, समय आया। ये किसी किसान ने खूब दान करा था, पुण्य करा था, सत्कर्म करा था, भजन करा था, कीर्तन करा था, स्मरण करा था, मंत्र जाप करा था, नाम जाप करा था। नाम का बल, मंत्र का बल, कीर्तन का बल इतना प्रबल था कि उसके बल पर ये सेठ का जन्म पा गया। और सेठ का जन्म मिल तो गया, इसके घर में एक बेटा भी हो गया, और बेटा भी दोनों पांव से विकलांग हो गया, वो भी रगड़ के चलता है। सेठ जी एक दिन पहुंचे एक गुरु जी के पास में, और गुरु जी से जाकर निवेदन करा, गुरुदेव मैंने खूब दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, स्मरण करा, सब कुछ मैंने किया, पर एक बात मेरे को गुरुजी समझ में नहीं आ रही कि ये सब कुछ मैंने करा, सारा दान करा, पुण्य करा, संकीर्तन करा, पर मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा था जिसके कारण मेरे घर में ऐसे बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी ने कहा ये तुम्हारे कारण नहीं जन्मा है, ये अपने कर्म के कारण जन्मा है। पूर्व समय में तुम किसान थे, पक्षी को दाना देते थे, प्यासे को पानी पिलाते थे, पथिक के लिए तुमने भोजन की व्यवस्था करी, आज तुमको भगवान ने धन संपदा दाजा दौलत सब कुछ दे दिया, सब कुछ प्रदान कर दिया, और ये तुम्हारा पुत्र तुमको भोजन देने आया था और वो भोजन नीचे जमीन पर रख दिया, और वो भोजन कुत्ते ने मुख मार दिया, और इसने एक सरिया उठाकर उस कुत्ते के पाँव में मार दिया। कुत्ते के पाँव खराब हो गए तो इसको भी उसके जैसी जिंदगी जीना पड़ रही है, क्योंकि इसने मारा। बाबू अनिल, आपने जो प्रश्न किया है कि पिता के कर्म का भोग क्या बेटे को भोगना पड़ेगा, या बेटे के कर्म का भोग क्या बाप को भोगना पड़ेगा, सास के कर्म का भोग क्या बहू भोगेगी, बहू के कर्म का भोग क्या सास भोगेगी? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कमाई का पूरा परिवार हकदार होगा। तुमने जो कमाया है उसके हकदार पूरा परिवार होगा, पर तुम्हारे कर्म का हकदार परिवार नहीं होगा, तुम अकेले होगे जो तुमको भोगना पड़ेगा। कोई कर्म का हकदार कोई नहीं होता, कर्म का हकदार तो आपको खुद को बनना पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग हमको भोगना है, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं रहेगा, कोई दूसरा उसको साधने वाला नहीं रहेगा। आप अच्छा करोगे आपके सामने अच्छा प्रकट हो जाएगा, आप बुरा करोगे आपके सामने बुरा प्रकट हो जाएगा। एक बार पूरे नदी में, तालाब में, कुएं में, बावणी में मछलियां होती हैं। तालाब में भी हैं, समुद्र में भी हैं, बावड़ी में भी हैं, कुंड में भी हैं, सभी जगह मछलियां हैं, सब जगह। शिकारी, जाल बिछाने वाला या कांटा लगाने वाला जो होता है वो इन पूरी मछलियों को पकड़ लेता है क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं पकड़ पाता। जितनी उसकी जाल में आती है उतनी वो पकड़ाई में आ जाती है, जितने के लिए उसने कांटा लगाया है बस वही कांटे में फंस जाती है। सारी की सारी नहीं आती। चार भाई हैं, चार भाई। अब एक के पास में धन बहुत है, दूसरे के पास में विद्या बहुत है, तीसरे के पास में वैभव बहुत है, और हो सकता है चौथा बहुत मेहनत कर रहा हो, हो सकता है उसके पास में कुछ भी नहीं हो। बोलो सही है कि गलत है? एक की गोल्ड की दुकान है, सोना चांदी की, एक ने खूब कमाया तो शोरूम डाल दिया, एक ने टीवी और फ्रिज की दुकान भी खोल ली, और हो सकता है एक दुकान डालता है, दो साल अच्छी चलती है, तीसरे साल में डाउन हो जाती है, बंद करना पड़ता है, कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है। एक परिश्रम में लगा हुआ है, बहुत मेहनत करना पड़ रही है, और एक कोई मेहनत कर ही नहीं रहा। भगवान की ऐसी कृपा है कि उसके यहां तो बरकत बढ़ती चली जा रही है। एक गोल्ड का शोरूम था, दूसरा बन गया, एक कपड़े का शोरूम था, दूसरा बन गया, एक गाड़ी पहले से थी और दूसरी गाड़ी आ गई, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही, उसके पास में अपने आप बढ़ते चले जा रहा है, उसके पास में संपदा बढ़ रही है, अपने आप आ रही है। और एक परिश्रम पर परिश्रम करता है, मेहनत पर मेहनत करता है, उसके बाद भी उसके पास में नहीं आता। फिर वो जिसके पास में नहीं आता ना, वो ना जाने कजन कितने बाबा जोगी के हो जाता है, ना जाने कितनी बैठकों पर हो जाएगा, माँ कोई घूम रिया होगा तो माँ चले जाएगा, माँ नरियल फोड़ी आएगा, माँ माथा फोड़ी आएगा, ना जाने कितनी जगह घूम फिर के आ गया, और आखिरी में घूमते 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 फिर किसी के यहाँ पहुँच गया, और उसने कह दिया तेरा तो व्यापार बंधा है और तेरे ही घर के लोगों ने बांधा है। उसने घूमते घूमते बोल दिया कि तेरे ही घर के लोगों ने बांधा है। अब उसके दिमाग में बैठ गया, मेरा बड़ा भाई अच्छा, मेरी बड़ी भाभी अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, सबके यहाँ खूब संपदा है। उसने आकर अपनी पत्नी को बताया या पत्नी ने पति को बताया कि मैंने माँ पूछा था, मैं मायके गई थी तो माँ ऐसा बोल रहे थे कि ये तेरे ही घर के लोगों ने बांध दिया। अब ध्यान गया कि इनमें से किसी एक ने बांधा है, क्योंकि इनका तो अच्छा चल रहा है,
सारा घर तो इनका बढ़िया फल रहा है, बस मुझे ही दुख झेलना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से किसी ने बांधा होगा। अब उसकी समझ में इतना सा नहीं आ रहा, बांधने वाला तेरा ही बांधा है, अंबानी को क्यों छोड़ दिया। अगर टोना करने वाला होता, कहीं का विद्या करने वाला होता, तो सबसे पहले तो मोदी को ही निपटाता। बोलो सही है कि गलत है। अच्छा अच्छा सूरमा भी करोड़ों रुपए खर्च कर देता कहीं टोना में और विद्या में, कि टाटा को पकड़ो, बिरला को पकड़ो, अंबानी को पकड़ो, जितने धनपति हैं इन पे कोई बंधन नहीं करता, तेरे यहां कुछ भी नहीं तो भी ले छोड़ बंधन। और पूरी जिंदगी टेंशन में निकाल दी, मेरे तो भाई ने कुछ कर दिया, मेरे परिवार ने कुछ कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने कुछ कर दिया, मेरे कुटुंब ने कुछ कर दिया। ये भाई ना परिवार कुछ करता है, ना कुटुंब कुछ करता है, ना भाभी कुछ करती है, ना ननंद कुछ करती है, ये तो हमारे कर्म का लेखा है जो हमको अकेले भोगना पड़ता है। वो आपको भी भोगना है, संसार का प्रत्येक मनुष्य उसे भोगेगा, चाहे वो कैसा भी हो। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा, कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज करेगा तो कहां ऊपर से टपक के आया है क्या? भोगना तो महाराज तुझको भी पड़ेगा। और आप करोगे तो सुन लो रे रतलाम बालो, सरसों का तेल डाल के रखो कान के अंदर, भोगना तो पड़ेगा। चाहे तुम कुछ भी करो, कर्म का भोग है वो भोगना। मरते ही तुम्हारे गदेड़ी जिस पे तुम मरे ना, वो गोदड़ी फेंक देंगे। जो कपड़े पहने वो बोलते जाओ जल्दी जल्दी फेंक देंगे साफ, और नया फर्नीचर बना के उस पे सुला देंगे, एकदम शानदार फर्नीचर बनता लास्ट वाला। पूरे कमरे का फर्नीचर इतना सुंदर नहीं होता जो आखिरी वाला फर्नीचर सुंदर होता है, एकदम शानदार बेड, उसमें भी हवा की पूरी व्यवस्था नीचे से ही जाए। डनलप का गद्दा में तो बॉडी को पसीना आए इसलिए घास पे सुला दिया जाए। कितना जोरदार फर्नीचर, पूरे मकान में ऐसा फर्नीचर नहीं होगा। बोलो सही है गलत है? जो फर्नीचर आखिरी में बनता क्या जोरदार, और बनाने वाला कोई मिस्त्री नहीं होता, अपने ही परिवार वाले सारा फर्नीचर बना दे एक से बढ़कर एक, और के बनाए और कस, अरे उनंग से खींच, हाँ खींच उधर से अच्छी दम क्या, वो तो इनका बस नहीं चले, नहीं चढ़ के देख ले और पकड़। वो तो आखिरी का फर्नीचर पे कोई चढ़के नहीं देखे, नहीं तो एक आध के सुला के देख ले बराबरी का एक नहीं देख जरा सही है। हाँ जोरदार दिखी रही है, और मालूम पड़े एक को सुला के देख ले और वो छोटी पड़ी जाए तो उठ 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 वापिस एक और बांधो, उधर उधर एक और बढ़ा लो, गोदड़ी फेंक दी, कपड़ा फेंक दिया, आखिरी में जिस टॉविल से शरीर पोछा था वो टॉविल भी फेंक दिया। इतने में छोरा रोते रोते आया, मम्मी दादाजी के गले की चेन और फेंक दो। इतने में तो मम्मी पल्लू डालती डालती बोली चुप रे छोरा चुप, और फिर इसको याद आई तो इन्हें अपने पति के पास जाके बैठ के पाँव पकड़ के ससरा का रो रही थी, और पति से कह रही थी चेन रह गई, और फिर निकाल, अरे वो चोटो कितना चोरोगे रे, और वो ही निकाल लिया, क्या जीवन।
जीवन का सही आनंद तो प्रेमलता संजय जी दुबे जलज सफला सांकला जलज जी सांकला मित्र मंडल भवर जी पाटीदार मथुरी वाले सही जीवन का आनंद तो ये लोग ले रहे हैं जो रात्रि को लोग सोते हैं उनके लिए भोजन बनाकर लाकर बांटकर खिलाकर चले जाते हैं। चेन यहीं पड़ी रह जाएगी, अंबारियां सब धरी रह जाएगी, अलमारी में रखे कपड़े धरे की धरे रह जाएंगे। बैसाख महीना में जो कथा मिली है ये दान और पुण्य और सत्कर्म करने के लिए मिली है कि इन हाथों से कर चलो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक कोरोना में तो बच गए, तुम्हारे पास में और भगवान के पास में बहुत आइडिया हैं, तुम्हारे पास कम भगवान के पास ज़्यादा है। कोरोना जैसे सिस्टम उनके पास बहुत सारे पड़े हैं, एक आध भेज देते हैं, कोटा पूरा कर देते हैं। भगवान को धन्यवाद दिया करो कि दादा बड़ी कृपा करी, जो कोरोना से हमको बचा लिया तो हमने यहाँ शिव महापुराण की कथा सुन ली। ये आपकी कृपा है, करुणा है, उदारता है, नहीं तो कहाँ कथा मिल रही थी। ऊपर सुनते अभी तो ना जाने कौन सा जन्म मिल गया होता, मेंढक मेंढक बन गए होते तो कुएं में पड़े होते, कौन सा जन्म मिल गया। हाँ जुआ बन जाते तो बात दूसरी थी, एक आध के खोपड़िया में बैठ के सुनी लेते, पर जीवन है। और ये मत सोचो कि सीओ वाले महाराज बोले 84 लाख योनिया मनुष्य को काटना पड़ती है, जिसमें से 20 लाख योनी तो वृक्ष की है, लता पत्र पत्ते डाली इसकी योनी है 20 लाख। और उसमें भी वृक्ष कहते हैं हमको आम का पौधा मत बनाना, हमें बेर का पौधा मत बनाना, हमें फूल का पौधा मत बनाना। भगवान से कहते हैं कि हमें ये पौधा मत बनाना, क्यों? आम का पौधा बनाएंगे तो लोग पत्थर मार के जाएंगे। आम का वृक्ष पर आम, आम का जो पेड़ होता है ना, इसको देखकर समझ जाना जिसने जिंदगी में सबसे ज्यादा गाली बकी होती है, खूब गाली दी होती है, बात बात में दे 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 दिए जाए, खूब गाली दे, आखिरी में आम का पेड़ बन जाए। और जिस जिसको देता है वो ही पत्थर उठा के झूठ देता, ले धर के। तो तुम भी देख लेना तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, तुम्हारे परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, जो ज्यादा गाली देता है उसको समझा करके देना ये आम का छोरा, समझा दो। तेरा अगला जन्म तो आम का पेड़। और जो माताएं दिन भर घर में मुंह फुला के रे, जब भी बोले ऐसी बोले कि मेंढक झड़े, जब बोले और ऐसा झगड़ा करे और अब शब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी टेढ़ी बोले, वो बेरी का पेड़ बन जाए, बेर का पेड़। उनके भी बहुत जुड़े लोग धड़ से, खूब जुड़े एकदम से। वैसे तो तुम मत चिंता करना, तुम तो कहीं नहीं बनोगा। क्योंकि तुम सब शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और आप लोग पंडाल में सुन रहे हो, ये तो आपका भाव है, साधुवादता है, तो ये आनंद की अनुभूति है, ये सुख का आनंद है। बस शिव से कहना कि ये जीवन जो दिया है ये कर्म को भोग का भोगने के लिए, कर्म भोग भोगने के लिए, बड़ी मुश्किल से मिला है। आज एक पत्र और आया था, सुबह ने मॉर्निंग वॉक के टाइम पर दिया था कॉलोनी के किसी व्यक्ति ने, तो उन्होंने उस पत्र में लिखा था हम राजस्थान से कथा सुनने आए, तो गुरुजी हमको आगे बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, यहां तो बैठ जाओगे,
हम यहाँ की तो बात करने ही नहीं चाहते, यहाँ तो कितने दिन का, आज कथा का कौन सा दिन है, तीसरा तृतीय दिवस है ना, तीसरा ही है, फिर उठावना कब का है, अरे बोले तृतीय दिवस, अरे कथा का आज तृतीय दिवस है, और यहाँ तीन दिन की कथा, चौथे दिन की कथा, पांचवें दिन की कथा, छठे दिन की कथा, सातवें दिन की, और ये कौन, रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीता राम हो गए, सात दिन यूं ही निकल गए, अपने यहाँ आगे बैठ के क्या करोगे, भगवान से प्रार्थना करना कि हम भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करें, ऐसा भजन करें, ऐसा कीर्तन करें, ऐसा मंत्र जाप करें, ऐसा स्मरण करें कि हमको यहाँ भले आगे बैठने का मौका ना मिले पर वहां उस परमात्मा की शरणागति में बैठने का मौका मिले, वहां बैठने का मौका मिले। कितने आए हो राजस्थान से, जरा हाथ उठाओ, जितने लोग राजस्थान से आए, हाँ उठाई लो, बहुत सारा उधर लो, और गुजरात वालों, अच्छा ठीक 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 ठीक, कृपा हो शिव की महाराज, जाओ और शंकर भगवान आपको अकेले मिल जाए, भगवान शिव मंदिर के अंदर अकेले हो, कोई हो ही ना, केवल शिवलिंग हो और कोई दूसरा दिख भी नहीं रहा हो, तो वहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना करो। शिव भक्ति में थोड़ा डूबने का प्रयास करें, एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, कभी कभी शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि कभी कभी जिंदगी में भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा भी बहुत लेते हैं, और कभी आपके भजन का जब बल बड़ा होता है, आपकी तप साधना का, आपके भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का बल बड़ा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर देवताओं के कहने पर परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण भी करते चले जाते हैं, ये शिव कृपा, ये शंकर भगवान की कृपा, ये शिव करुणा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये परीक्षा के साथ में भगवान उत्तीर्ण भी करते हैं, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बैसाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता, उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है
उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही तीन उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापिस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। विश्वास के बल पर भगवान की प्राप्ति है। विश्वास है तो शिव है, और देखो विश्वास का ही तो प्रतीक है ये इतने पत्र जो आए, इसमें एक पत्र लिखा है, देखिए, गुरुदेव यशोदा परमार खाचरो जिला उज्जैन से हूं, कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। यशोदा परमार खाचरो जिला उज्जैन है, कहीं दिख रही हैं? अच्छा दूर हैं क्या? ठीक है, कैमरे वालों की निगाह पहुंच जाए तो ठीक है, देख लीजिएगा। एक तो पब्लिक भी इतनी है कि कैमरा का डब्बा भी छोटा होगा, कहां भरे इनको। आज कह रहे थे कुछ प्रशासनिक बंधु लोग, कहे गुरुजी रतलाम के इतिहास की पहली इतनी पब्लिक है जो रतलाम में दिख रही है, रतलाम के इतिहास की पहली है। यशोदा जी परमार ने खाचरो जिला उज्जैन से हैं, जिन्होंने लिखा है शंभु। अस्थमे की बीमारी थी 2006 से,
16 वर्ष से लगातार मैं जूझ रही थी, अहमदाबाद, बड़ौदा, उदयपुर और जयपुर गई। जयपुर में भी डॉक्टर ने सारी पद्धति से सब कुछ किया, पर वो बीमारी नहीं गई। गुरुदेव, 4/3/2022 को फुलेरा दूज के दिन धतूरे की जड़ वाला प्रयोग आपने जो बताया था सीहोर से, वो किया। 2006 से जो अस्थमा की बीमारी चल रही थी गुरुदेव, अब वो अस्थमा की बीमारी बिना दवाई के ठीक हो गई है, बाबा की कृपा हो गई है। ये अस्थमा की बीमारी खींचकर बोलना पड़ रहा बाबू, सेट करिए। अस्थमा की बीमारी वो 2006 से जो चल रही थी 16 वर्ष से लगातार, अब वो ठीक हो गई है, ये बाबा की कृपा हुई है, शंकर की कृपा। बैठो बहन, जहां भी आप बैठी हो, आराम से खड़े हो आप, बैठिए, ये शिव कृपा है। एक पत्र और देखिए, किसी ने भेजा है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम श्याम कुंवर, पति सरदार सिंह, गांव बदनारा, जिला रतलाम से हूं। दिनांक 17 अप्रैल रविवार को शाम 5:30 पर घर के पास खेत में मेरा बेटा वीरेंद्र सिंह मशीन पर काम कर रहा था, तभी अचानक ट्रैक्टर रिवर्स आ गया और मशीन पीछे आ गई, जिससे मशीन के टायरों के बीच में से मेरे बेटे को निकाला हुआ। ट्रैक्टर के बड़े टायर के नीचे मेरा बेटा आ गया, पास में सभी घबरा गए, आवाज़ आने पर सभी दौड़ कर गए और टायर से बेटे को निकाला गया। बाद में सिर पर चोट बहुत आई थी, पर शिव महापुराण की कथा का जो मूल मंत्र था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जपना मैंने प्रारंभ कर दिया था। मुझे विश्वास था मेरे बाबा पर कि वो घात नहीं होने देगा। उसने तभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, बाबा की कृपा रही, बेटे को कुछ देर के बाद में होश आ गया। हॉस्पिटल ले गए रतलाम के, और हॉस्पिटल में सीटी स्कैन किया गया, जिसमें डॉक्टर ने 5 पसलियां क्रेक बताई और लीवर लीकेज बताया। उन्होंने इलाज का मना कर दिया। रात को 12 बजे इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल में लेकर रिफर हो गए, कर दिया। फिर इंदौर गए, वहाँ पर भगवान शिव की कृपा से डॉक्टर साहब से बात की, पर निरंतर श्री, जरा जम के तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। वापिस सीटी स्कैन किया, और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव, बाबा की कृपा से जैसे ही स्कैन किया गया, उसमें एक भी हड्डी टूटी नहीं आई थी और बाबा ने ठीक कर दिया। ये शिव कृपा है। कहीं बैठे हो, श्याम कुंवर, पति सरदार सिंह, गांव बदनारा, जिला रतलाम से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हर हर महादेव, शिव कृपा। मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया और हम लोग कथा के अंतर्गत आए। ये शिव कृपा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला कभी घात नहीं खा सकता, कभी नहीं खाए। भक्ति का बल प्रबल होता है, विश्वास का बल प्रबल होता है। करो आप शिव आराधना, चंदन अगर लगा रहे हो शिव जी पर, तो ये विश्वास रखकर लगाना कि उस चंदन का फल आपको मिलेगा जरूर, ये पक्का है। आप अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का, उसका
जरूर होगा, आपको जरूर उसका आपको मिलना होगा। अब एक बड़ा सुंदर संवाद आया, बड़ा सुंदर संवाद। एक आपको लगता है कि भगवान केवल आपकी परीक्षा ले रहे हैं, या आपको ही दुख दे रहे हैं, या आपको ही कष्ट दे रहे हैं और उस कष्ट का कोई निवारण ही नहीं हो रहा, ये आपको लगता है। पर मेरी शिव की कथा कहती है, संसार में मनुष्य की जो देह मिलती है वो दो कारणों से प्राप्त होती है। मानव का जो शरीर मिला है वो केवल दो कारणों से मिला है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। शंभो 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 शंभो। एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये मनुष्य की देह मिली है, माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं, और माता के गर्भ में ही हमने संकल्प ले लिया था, प्रण कर लिया था कि माता के गर्भ से जब निकलूंगा तो भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। पर माता के गर्भ से निकलते से मैं तो भोजन करूंगा भोजन करूंगा और भोजन करूंगा और भोजन करूंगा, और इतना भोजन में लीन हो गया कि भजन तो उसका छूट गया, भजन कहाँ चले गया मालूम नहीं, उसका कहाँ जा रहा है, भजन का कोई क्रम ही नहीं है, भजन कहाँ जा रहा है उसका कोई क्रम ही नहीं है उसका मालूम। भगवान शिव ओगड़दानी त्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की कथा कह रही है, ओगड़दानी भगवान शंकर दयालु। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला, कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। पर इस कर्म को भोगना मनुष्य के शरीर के भीतर, और उस भोगने के साथ में भगवान का भजन करना, ये दोनों बहुत कठिन काम है। अभी का आपको चरित्र सुनाते हैं। एक इंदौर में एक जजमान परिवार में उनका बेटा कोरोना महामारी में शांत हो गया, सूचना मिली, गए, मालूम पड़ा कि बहू ने जितने भगवान थे घर में, जितने भी भगवान थे, ठाकुर जी शिव जी लड्डू गोपाल जी वगैरह देवी जी कुल देवता जी, ये सबको उन्होंने कपड़े में बांधा और उनको अलमारी पे रख दिया। कारण कारण क्या हुआ कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। पर एक बात बताओ, भगवान कभी किसी का बुरा करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। मां बाप जिस बेटे को जन्म देते हैं उस बेटे के लिए कभी गलत नहीं सोचते, भले वो अगर कोसेंगे बद्दुआ भी देंगे ना तो भी बाद में रात को रो लेते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं, ऐसे माता पिता होते हैं। वो माता पिता ही ऐसे होते हैं जो
वर प्रदान करना। जो वर देंगे अगर माता पिता ने कोस भी लिया, अब शब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, आड़ा टेढ़ा भी बोल दिया, और बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने गलत बोला है, बहू और बच्चों को लगा इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है, बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने अपशब्द कहा है, हमारी सास ने हमारे ससुर ने हमको कोस दिया, हमको गालियां दे दी, हमको अपशब्द कह दिया, हमको ताने दे दिए, हमको आड़ा टेढ़ा बोल दिया, उनको लग रहा है कि इन्होंने अपशब्द बोले, इन्होंने ताने दिए, इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है। इन्होंने गालियां दी हैं, पर जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके हृदय से तो कोई पूछे, उनके चित्तवृत्ति से, उनके मन से तो कोई पूछे कि वो कितना कितना रोए हैं आप शब्द कहने के बाद भी, ताना देने के बाद भी, गाली देने के बाद भी, आड़ा टेढ़ा बोलने के बाद भी, कितना रोए हैं। उसी तरह परमात्मा ने अपने इस भूमंडल पर, इस भूमि पर हमको जन्म दिया है, मेरे भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, अपने घर में ये ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक में निवास करते हैं। अगर मृत्यु लोक में मेरे परमात्मा ने आपको भेजा है, अपने घर में अगर भगवान ने रखा है, तो आपका जिंदगी में कभी वो बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं करेगा, करेगा तो अच्छा ही करेगा। वो कभी बुरा नहीं करेगा आपका। हाँ, कर्म आपने किया है पूर्व में, तो उसका फल तो भोगना है ना यहां आकर। अच्छा, एक बात बड़ी बड़ी सुंदर बात है महाराज, ये भी एक समझने वाली बात है, बहुत ध्यान देना इस बात के लिए, समझ, अगर समझ जाओ तो ठीक है, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। व्यासपीठ से कह देते हैं, एक बार किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी हम जो भगवान को, हम जो गौ माता को रोटी देते हैं, हम जो गाय को रोटी देते हैं, वो रोटी आखिरी की या पहले की, सबसे पहली या आखिरी, दोनों में से सबसे पहली रोटी देते हैं कि आखिरी की देते हैं, जम के बोलो जरा। पहली रोटी देते हैं, अगर पहली रोटी दे रहा है तो गुरुजी बस इतना समझना है कि पहली रोटी अपन ने गाय की दी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, जरा मन से कहना, मेरी माता हूं, आपने सबसे पहली रोटी बनाई और तुमको यह मालूम है कि यह गाय को जाएगी, 100 में से 10 माताएं ऐसी होंगी जो उस रोटी को जैसे सबके लिए बनाती है वैसी बनाती होगी, 100 में से 10। बाकी की जितनी बची है 90, उसको मालूम है गाय को देना है, जा। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है ना? अब उसको तुमने बस केवल ऐसा करा और दे दिया। अब अगर उस रोटी को भी तुम जैसे पति के लिए बड़ी गुनगुनाती हुई, गीत गाती हुई, बच्चों के लिए जैसे प्रेम और स्नेह के साथ में बनाते हो, अगर वैसे ही दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से बनाकर गाय माता को खिलाते, तो दूसरा जब जन्म आपका मिलता, जब आपका जन्म दूसरा मिलता, तो ये पक्का है कि शरीर में
कोई रोग खड़ा ही नहीं होता, गौ माता हरण कर। दूसरा जन्म अगर जब मिलता तब नामदेव जी महाराज तो कुत्ते के पीछे भागे थे तो घी का कटोरा लेकर भागे थे, और कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं और घी का कटोरा लेकर जा रहे हैं कि ये कुत्ता जो रोटी खाएगा वो घी लगी खा लेगा। मेरा नारायण आज रूखी रोटी ना खाए इसलिए घी का कटोरा लेकर चले हैं, घी का पात्र। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ में विराजमान थी, बैठी हुई थी। भगवान देवाधिदेव महादेव पास में आकर विराजित हुए, तभी देवऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण, और देवऋषि नारद का जब आगमन हुआ, देवऋषि नारद का जब आगमन होता है तो आज माता पार्वती जी ने देवऋषि नारद को देखा तो नारद जी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते करते आ रहे थे, तो नारद जी से माता पार्वती जी ने पूछ लिया, क्या बात है नारद जी, कहाँ से आ रहे हो? नारद जी बोले, मैं सारे भूमंडल पर पूरी पृथ्वी पर भी भ्रमण कर रहा हूँ, देवलोक में भी भ्रमण कर रहा हूँ, सभी जगह पर मैं भ्रमण करते 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 सभी जगह से आ रहा हूं। महाराज बोल, काशी विश्वनाथ भगवान की एक घंटे की कथा पुरानी लगा दीजिए आस्था चैनल पर, कथा विराम आज की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साउंड ठीक नहीं है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। कथा कल साउंड ठीक रहेगा तो वापिस 1 बजे से 4 बजे तक होगी, आज कथा 1 घंटे पहले विराम दी जा रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शंकर पार्वती आ रहे हैं, उनके मंगल विवाह की झांकी का दर्शन करिए, आरती हो रही है उसकी तैयारी करिए। पुरानी कथा लगा दीजिए आस्था पर।